हिमाचल में सीएम के चेहरे को लेकर चल रहे घमासान के बीच अब कांग्रेस हाईकमान के पाले में गेंद डाली गई है। विधायक दल की बैठक में फिलहाल जिन छह चेहरों पर चर्चा हुई है उनमें दो सबसे बड़े नाम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का कहना है कि हाईकमान हमें जो कहेगा वो मंजूर होगा। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता एकजुट है, जिसका नाम सीएम के लिए हाईकमान तय करेगा वो सबको मानना होगा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कार्यकर्ताओं का काम नारेबाजी करना है, इसका हाईकमान पर असर नहीं पड़ेगा। हमने सारा फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया है, जो फाइनल होगा वही हम मानेंगे। कार्यकर्ता तो नारेबाजी करते रहते हैं, सीएम कौन होगा हम ये तय नहीं कर सकते। वहीं विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल की जीत में प्रियंका गांधी का अहम रोल है। उन्होंने हिमाचल के लोगों को कांग्रेस की जनता हित वाली नीतियाँ बताई है, ऐसे में हमारी पार्टी में कोई खेमेबाजी नहीं है। नाम तय करना हाईकमान का काम है, इसलिए जो तय होगा सब उसे मानेंगे। वहीं सिरमौर के शिलाई विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज करने वाले हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मैं ऑब्जर्वरों से 1-to-1 मिला हूं। मुझसे जो पूछा गया वह मैंने ऑब्जर्वरों को बताया है, विधायकों से ऑब्जर्वरों ने फीडबैक लिया है। सीएम कौन बनेगा ये हाईकमान ही तय करेगा, हम इस पर कुछ नहीं बोल सकते। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धनीराम शांडिल ने कहा कि विधायक दल की बैठक अच्छे माहौल में हुई है, ऐसे में हमें उम्मीद है कि सीएम के नाम पर फैसला हाईकमान जल्द देगा, अंतिम फैसला हाईकमान का ही होगा। वहीं सीएम की रेस में चल रहे ज्वाली के विधायक चंद्र कुमार मीडिया के सामने नहीं आए, हालांकि सूत्रों की माने तो उनकी भी सीएम पद पर दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार विधायक दल की बैठक के लिए आए कांग्रेस के 3 दूत आज वापस लौट जाएंगे। कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, ऑब्जर्वर भूपेश बघेल और भूपेंद्र हुड्डा शुक्रवार सुबह शिमला पहुंचे थे। देर शाम को मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि हाईकमान को रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, सभी विधायकों से उनकी राय ली गई है। सीएम कौन बनेगा इसका फैसला अब हाईकमान पर छोड़ दिया गया है, पार्टी में किसी भी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। बता दें कि जिस तरह की गुटबाजी विधायक दल की बैठक के दौरान देखने को मिली उसी तरह का हल्ला अब पसंद का सीएम न बनने पर भी हो सकता है। शुक्रवार को विधायक दल की बैठक के दौरान हॉलीलॉज गुट और सुक्खू गुट के कार्यकर्ताओं में सरेआम तकरार देखने को मिली। हॉलीलॉज गुट के समर्थक कांग्रेस ऑफिस के बाहर लगातार नारेबाजी और प्रतिभा सिंह को सीएम बनाने की मांग करते रहे, ऐसे में समर्थकों के रुख से साफ है कि इस तरह की गुटबाजी फिलहाल जारी रहेगी। विधायक दल की बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर सबसे अधिक चर्चा हुई है। प्रतिभा सिंह हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी है, उनकी अगुवाई में ही पार्टी बहुमत से जीती है। हाल ही में मंडी विधानसभा क्षेत्र से वह सांसद चुनी गई। खास बात ये थी कि मंडी भाजपा सरकार में सीएम रहे जयराम ठाकुर का गृह जिला है। वहीं ये भी बता दें कि सुखविंदर सिंह सुक्खू छात्र जीवन से ही कांग्रेस संगठन से जुड़े हैं। वे कांग्रेस के स्टूडेंट्स विंग NSUI के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, युवा कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे हैं। इसके बाद वे सबसे लंबे समय तक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले नेता भी है, उनकी हाईकमान से भी काफी नजदीकियां हैं। वहीं इस समय कांग्रेस की प्रचार समिति के अध्यक्ष भी सुक्खू हैं।